फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पानी दिखा रही हूँ। ये बारिश का पानी है जो मैंने कलेक्ट करके देखी बॉटल्स में रखा है। और भी पानी मैंने रखा है, बट अभी मैंने बस 2-3 बॉटल्स आपको दिखा रही हूँ। तो आप जितना इसको कलेक्ट कर पाए उतना फ्रेंड्स करके रख लीजिए। देखिए, बारिश के सीज़न में हमारे जो प्लांट्स हैं उनको हम रिपोर्ट करते हैं। देखिए, जितने भी रिपोर्ट मैं करती हूँ उनको मैं यही पानी प्रोवाइड कराती हूँ, क्योंकि आजकल रोज़ रोज़ तो बारिश नहीं हो रही है, मगर हमारे पास अगर ये पानी कलेक्ट रहेगा तो हम इनको ये पानी देते रहेंगे। और इससे हमारे प्लांट्स, देखिए बारिश के सीज़न में कितने अच्छे हो जाते हैं प्लांट्स के लिए, बहुत अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी देखिए मैंने सीडलिंग्स लगाई है और उनको भी मैं यही बारिश का पानी ही देती हूँ। ये देखिए, आप स्प्रे से दीजिए, जितनी भी सीडलिंग्स है हमारी, तो स्प्रे से अगर आप उनको पानी देते हैं तो वो बहुत हेल्दी रहती हैं और वो टूटती नहीं है सीडलिंग्स हमारी। ये देखिए, मैंने जितने भी लगाए हैं सबको मैं ये बारिश का ही पानी देती हूँ, इससे इनको बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है फ्रेंड्स। और आप भी जितना कलेक्ट कर पाए बारिश का पानी वो करिए। और ये देखिए, प्लांट्स हमारे जो हैं वो लैगी हो रहे हैं, जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं, तो इनको आप धूप भी दिखाते रहिए समय समय पर। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाई है। तो जब हमारे प्लांट्स 5 दिन के हो जाएं तो उसके बाद इस सैपलिंग्स को हमें धूप दिखानी रहती है। तो आप धूप भी दिखाते रहिए, साथ में बारिश का पानी भी इनको प्रोवाइड कराइए, इससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। सो फ्रेंड्स, अभी बरसात का मौसम तो अब जाने का हो गया है सितंबर में, लेकिन ये देखिए अगर हम इस तरह से पानी कलेक्ट करके रखते हैं तो अपने प्लांट्स को इस तरह से हम हमेशा जब तक हो सका, ये बड़े होंगे तब तक हम इनको थोड़े दिन पानी ये प्रोवाइड कराते रहेंगे, और जिससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो आप भी इसी तरह जितना हो सके बारिश का पानी कलेक्ट करके रखिए और अपने प्लांट्स को ब्यूटीफुल बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स। बाय बाय।